कर रहे हैं, लेट्स से आप 60 को सर्च करने जा रहे हैं, तो सर्च के लिए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रूट नोड से स्टार्ट करेंगे अपना सर्च प्रोसेस। 60 छोटा है आप लेफ्ट में आ जाएंगे, 60 से छोटा आप लेफ्ट में आ जाएंगे, 60 से छोटा आप लेफ्ट में आएंगे, इससे भी छोटा है आप लेफ्ट में आएंगे, 65 से भी छोटा है आप लेफ्ट में आएंगे, एंड देन आप यहाँ पे आपको आपका एलिमेंट मिलेगा। अगर मान लीजिए कि ये ट्री दोनों तरफ बैलेंस्ड होता, मतलब कि 100 के लेफ्ट में भी कुछ एलिमेंट्स होते और राइट में भी कुछ एलिमेंट्स होते, तो आप क्या मुझे बताएंगे कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपको कम करने पड़ते हैं या ज्यादा करने पड़ते हैं? रियलाइज कर पा रहे हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन लेस और बार और रिपीट करें सबने क्या पूछा? मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लो कि अगर हमारा ट्री 100 के लेफ्ट राइट दोनों दोनों साइड में होता, बैलेंस टाइप का होता, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको कम करने पड़ते या ज्यादा करने पड़ते किसी एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए? उतने ही करने पड़ते। ओके, कम करने पड़ते। अगर ट्री कम होगा ना, ट्री अगर दोनों तरफ बैलेंस हो जाए तो आप तो रूट से लीफ की तरफ ही जाएंगे ना, तो अगर ट्री बैलेंस्ड होगा या दोनों साइड में एलिमेंट्स होंगे तो ट्री की हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, ट्री की हाइट कम हो जाएगी। अगर ट्री की हाइट कम होगी तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी कम हो जाएंगे। ओके, अगर स्क्यूड होगा तो ज्यादा कंपैरिजन करना पड़ेगा, और स्क्यूड अगर नहीं होगा तो आपको कम कंपैरिजन करने पड़ेंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहीं से आज का कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होगा, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं। जो मोर कंपैरिजन होंगे तो हाइट बढ़ेगी हमारी। हाँ नहीं, मोर कंपैरिजन होंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो मोर कंपैरिजन होंगे। जैसे कि इस केस में ये जो ट्री हमारा है, ये जो ट्री हमारा गिवन है, इसमें कितने नोड्स है टोटल बताइए? टेल मी हाउ मेनी नोड्स आर देयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नोड्स हैं, और हाइट कितनी है ट्री की? 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 नोड्स हैं और 6 हाइट है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि अगर ट्री बैलेंस्ड होता, तो बैलेंस्ड होता तो कितने कितनी हाइट होती? लॉग एन हाइट होती। तो अगर हम इसका अपर बाउंड भी ले लें तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4। ठीक है, अपर बाउंड लेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि लॉग 8 मीन्स कितना हो गया? लॉग 8 मीन्स लॉग 2 क्यूब, 3 को इधर लेके आइए, सो 3 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 3 हो गई, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी? 3 और 4 के बीच में होगी। 3 और 4 के बीच में क्यों होगी? क्योंकि लॉग 16 की वैल्यू 4 होगी, लॉग 8 की वैल्यू 3 है, लॉग 16 की वैल्यू 4 होगी, तो इसका मतलब कि लॉग 10 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगी। तो आपकी जो ट्री की हाइट है, अगर 10 नोड्स हो और ट्री बैलेंस्ड हो तो 4 होगी, लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो ट्री की हाइट 6 है। तो ट्री की हाइट अगर 6 है, इसका मतलब है कि आपको हाइट तक जाना पड़ सकता है किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, लेकिन अगर 4 हाइट होगी तो आपको कम कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल से देखिए। हेलो हेलो सर। हाँ जी सर, 65 जगह 60 आएगा ना सर? वो 60 और 65 एक्सचेंज होंगे। यस सर। हाँ, अब बताइए क्या करें? 60 और 65 एक्सचेंज होंगे। यहाँ पे 60 ले लें। यस सर। इसके नीचे 65 सर, राइट के नीचे। ठीक है, इसके राइट में 65 आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, राइट में 65 आ गया। ठीक है, अब ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट चलिए इसका ट्री बनाइए। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और एलिमेंट, दो और एलिमेंट लेते हैं, 40 और 50। इससे बाइनरी सर्च ट्री अगर बनाए तो कैसे बनेगा? 40 रूट पे हो गया, 50 इसके राइट में हो गया, 100 इसके राइट में हो गया, 200 इसके राइट में हो गया, 150 इसके लेफ्ट में हो जाएगा, 700 इधर हो जाएगा,
600 इसके लेफ्ट में हो जाएगा, 1000 इधर होगा, 1500 इधर होगा, एंड देन 1250 इधर होगा. विल दिस बी द बाइनरी सर्च ट्री? यस सर. यस सर. ओके, तो ये भी ट्री तो स्क्यूड है, ठीक है. ये जो ट्री है वो किधर की तरफ स्क्यूड है? वो राइट की तरफ स्क्यूड है. दिस ट्री इज स्क्यूड टुवर्ड्स द राइट सब ट्री. और ये जो ट्री है वो किधर स्क्यूड था? ये लेफ्ट की तरफ स्क्यूड था, इसलिए इसको हम लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री कह रहे हैं. सो द गिवन ट्री मे बी स्क्यूड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स द राइट साइड. इन केस द ट्री इज स्क्यूड आइदर टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट, number of comparisons made for the search operations will be more. To reduce the number of search operations, we should actually try to form the balance tree. Am I correct? Is my statement correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today our task will be ki hum jab tree bana rahe hain to tree hum banaye hi is balance type ka. ठीक है, वी शुड मेक अ बैलेंस काइंड ऑफ द ट्री. अब बैलेंस कैसे हम इंश्योर करेंगे और बैलेंस का मतलब क्या है? लेट्स से हमारे पास एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री है, शेप वाइज हम देख रहे हैं इसमें बाइनरी सर्च ट्री. लेट्स से हमारा ऐसा बाइनरी सर्च ट्री है. अब इसमें हम एक बैलेंस फैक्टर फाइंड करते हैं, हर नोड का बैलेंस फैक्टर फाइंड करते हैं. हाउ डू वी फाइंड द बैलेंस फैक्टर? बैलेंस फैक्टर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ठीक है. तो लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर हमेशा जीरो होगा. क्यों बैलेंस फैक्टर इसका जीरो होगा? क्योंकि इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है. तो लेफ्ट राइट की हाइट को आप माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा. सिमिलरली ये भी आपका एक लीफ नोड है, इसका बैलेंस फैक्टर जीरो होगा. ये भी एक लीफ नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर जीरो होगा. इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? आप हाइट ऑफ लेफ्ट फाइंड कर लीजिए, हाइट ऑफ राइट फाइंड कर लीजिए. ठीक है, आप चेक कर लो कि हाइट ऑफ लेफ्ट इसमें जीरो है और राइट की हाइट भी जीरो है, तो इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट माइनस राइट से इसका भी जीरो हो जाएगा. ठीक है, अगर आप इस नोट की बैलेंस फैक्टर की बात करें, इस नोट का, ठीक है, रूट नोट का बैलेंस फैक्टर की अगर आप बात करें, तो हाइट ऑफ लेफ्ट जीरो है इसके लिए, लेकिन हाइट ऑफ राइट वन है. ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें राइट की हाइट वन है. तो इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो माइनस वन, मतलब माइनस वन. ओके, तो अब हमारे पास जो नोड्स आ रहे हैं उन सभी नोड्स का बैलेंस फैक्टर अगर आप नोट करें ध्यान से इस पर्टिकुलर ट्री में, तो कुछ नोड्स का जीरो है, इसका भी जीरो बैलेंस फैक्टर है, और एक नोड का माइनस वन है. तो ये जो जीरो और माइनस वन है वो अलाउड बैलेंस फैक्टर्स हैं. अगर ऐसा बैलेंस फैक्टर आएगा नोड्स का तो हम कहेंगे कि हमारा ट्री स्क्यूड नहीं है बल्कि बैलेंस्ड है. सिमिलरली एक और ट्री हम मान लें, अगर मान लेते हैं हमारा ट्री ऐसा है, ठीक है, तो इस ट्री में भी जितने भी लीफ नोड होंगे उनका बैलेंस फैक्टर जीरो होगा. इस नोड का भी बैलेंस फैक्टर जीरो होगा क्योंकि लेफ्ट और राइट की हाइट जो है सेम है, इसको जीरो ले लीजिए. इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? लेफ्ट और राइट की हाइट फाइंड कर लीजिए, लेफ्ट की हाइट वन है, राइट की हाइट जीरो है, वन माइनस जीरो इसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन हो जाएगा. ठीक है, तो इस ट्री में जो बैलेंस फैक्टर्स हैं वो वन जीरो या जीरो है, तो जीरो या वन ही है इसमें, जीरो या प्लस वन. तो अगर कोई ट्री हमें ऐसा मिलता है जिसमें बैलेंस फैक्टर प्लस वन हो या जीरो हो या माइनस वन हो हर नोड का, तो ऐसे ट्री को हम कहेंगे बैलेंस ट्री. ठीक है, ऐसे ट्री को हम मानेंगे कि हमारा बैलेंस ट्री है. इसका यह भी मतलब है कि अगर किसी नोड का बैलेंस फैक्टर प्लस टू आ जाए या माइनस टू आ जाए तो वो बैलेंस नहीं होगा. ठीक है, तो अगर हमारे हमारे पास ऐसा ट्री है जिसमें बैलेंस फैक्टर प्लस टू या उससे ज्यादा है या माइनस टू और उससे कम है, तो ऐसा ट्री हमारा बैलेंस नहीं होगा. अगर किसी भी नोड के लिए ऐसा हो जाएगा तो ये बैलेंस नहीं होगा. आई अगेन रिपीट, फॉर इफ फॉर द गिवन बाइनरी सर्च ट्री द बैलेंस फैक्टर फॉर एनी ऑफ द नोड इज प्लस टू और मोर or it is minus 2 or less, that binary search tree will not be the balanced binary search tree. Is that correct everyone? Samajh pa rahe hain baat ko? Yes sir.
जीरो कमा माइनस वन वाला एक बार फिर समझा बोलो नमन। जीरो कमा माइनस वन वाला माइनस वन यस सर। जीरो कमा माइनस वन का मतलब ये है कि कुछ नोट्स का बैलेंस फैक्टर जीरो है, कुछ नोट्स का बैलेंस फैक्टर माइनस वन है, ठीक है। माइनस वन आया कैसे ये आपको पता करना है। यस सर ठीक है। एक बाइनरी सर्च ट्री ऐसा मानो, मान लो ये बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, ये 100 है और ये 50 है, 150 है सॉरी, ये बाइनरी सर्च ट्री है। इसमें इस नोड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट की हाइट कितनी मानी जाएगी, जीरो मानी जाएगी, और इस लेफ्ट इस नोड के रेस्पेक्ट में जो राइट नोड है, माने राइट की तरफ एक नोड है, इसका मतलब राइट की हाइट हम वन मान लेते हैं इसको, तो लेफ्ट और राइट की हाइट का डिफरेंस कितना हुआ, जीरो माइनस वन, मतलब माइनस वन हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखने की बात है नमन, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी लोगों को समझने की बात है कि जो हम हाइट यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं वो वाली हाइट नहीं है जो हम पहले निकालते थे, ठीक है। एक मिनट, इरेजर वर्क नहीं कर रहा मेरा, जस्ट मिनट। सी एवरीवन, जो नमन का क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी वैलिड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान दें। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री, जहां पे यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 150 है, तो इस नोड का बैलेंस फैक्टर आप क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, क्योंकि ये लीफ नोड है। लेकिन इस नोड का बैलेंस फैक्टर आप कैसे मानेंगे, सी इस वाले नोड का बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसके लेफ्ट में कोई भी नोड नहीं है इसलिए इसका जो लेफ्ट की हाइट है उसको आप जीरो मान लेंगे। इस नोड के राइट में जो नोड है उसकी हाइट जीरो है, इसके राइट में नोड जीरो है, तो जीरो प्लस वन मान लीजिएगा इसके राइट की हाइट, ठीक है, तो जीरो प्लस वन इसका मतलब ये वन हो गया। अब आप जीरो माने लेफ्ट और राइट का हाइट का डिफरेंस करेंगे तो जीरो माइनस वन आएगा, मतलब माइनस वन हो जाएगा, तो इस नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो माइनस वन है। आई अगेन रिपीट, एक बार फिर से चेक कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा ट्री है, इस ट्री में इस नोड का अगर आपको बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है तो आपने लेफ्ट की राइट लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट करनी है। इस नोड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट की हाइट को आप कैसे मानेंगे, इसके लेफ्ट में एक लीफ नोड है जिसकी हाइट जीरो है, लेकिन ये जो लीफ नोड है वो ब्रांच के थ्रू इस नोड से कनेक्टेड है, तो इसलिए इस नोड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट की हाइट मानी जाएगी वन प्लस हाइट ऑफ लेफ्ट नोड, सो दैट इज जीरो। इसका जो राइट सबट्री है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसकी राइट की हाइट जीरो मानी जाएगी। इस नोड का बैलेंस फैक्टर हो गया लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट, मतलब वन माइनस जीरो मतलब प्लस वन। ओके, एक और नोड ले लीजिए, ऐसा मान लेते हैं, चलिए ऐसा ट्री हमारे पास है, पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल, मान लीजिए 100 है ये 50 है और ये 70 है। अगर ये हमारे पास ट्री है गिवन, तो लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं, इसकी हाइट जीरो लीफ नोड की। इस नोड के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए लेफ्ट की हाइट जीरो, राइट एग्जिस्ट है इसलिए राइट की हाइट प्लस वन, जीरो प्लस वन, तो ये वन हो गया। तो इस नोड की इस नोड का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट, मतलब माइनस वन। ये बैलेंस फैक्टर ये हाइट नहीं है, प्लीज रिमेंबर, ये हाइट नहीं है, ये बैलेंस फैक्टर है। अच्छा, इस नोड का हाइट क्या होगा, प्लस वन होगा, पर्टिकुलरली इस नोड की अगर हम हाइट की बात करें तो वो वन होगा। कैसे वन होगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, सो दैट इज वन। इस नोड का बैलेंस फैक्टर फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट की हाइट, सो लेफ्ट की हाइट यहां मानी जाएगी जो भी लेफ्ट में नोड है उसकी हाइट प्लस वन, तो इसमें लेफ्ट की हाइट वन है, सो वन प्लस वन टू हो गया, और इसकी राइट में कोई भी नोड नहीं है इसलिए राइट की हाइट जीरो मान लीजिए। सो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट, दैट इज इक्वल टू टू। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आप फिर से चेक कीजिए इसको, ये वाला काम आपको करना पड़ेगा इस केस में, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है इस चीज को समझ पाना। लेट से आपके पास एक ऐसा ट्री है, ठीक है, इस ट्री में हम हाइट जो फाइंड कर रहे हैं, हाइट दूसरे तरीके से फाइंड कर रहे हैं, ये हाइट फाइंड करने का तरीका वो वाला नहीं है जो हमने कोड लिखा था, जिसका ये जीरो इसकी हाइट होगी क्योंकि ये लीफ नोड है, इसकी भी हाइट जीरो होगी क्योंकि ये लीफ नोड है, ठीक है। पर्टिकुलरली इस नोड की अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो आप हाइट कैसे फाइंड करेंगे, यू विल फाइंड द हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री। सो हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री जीरो होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है। टू फाइंड द हाइट ऑफ राइट सबट्री, जस्ट चेक कि इसका राइट सबट्री है या नहीं, यस इसका राइट सबट्री है,
और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, जीरो है. आपने फाइंड किया है कि इस राइट सब ट्री की हाइट जीरो है. तो इसके राइट सब ट्री की हाइट, मैंने इस नोड के लिए जो हाइट ऑफ राइट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वन प्लस हाइट ऑफ राइट सब ट्री दैट इज इक्वल्स टू वन. ओके अच्छा, इस पर्टिकुलर नोड के लिए बैलेंस फैक्टर क्या होगा? बैलेंस फैक्टर होगा एच एल माइनस एच आर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन. ओके बैलेंस फैक्टर सबका निकाल रहे हैं, हर नोड का निकाल रहे हैं, एवरी नोड, वी आर चेकिंग अबाउट एवरी नोड. ये वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा चीज को. तो आपने एच एल और एच आर फाइंड किया, एच एल और एच आर का डिफरेंस फाइंड किया, मतलब डिफरेंस नहीं बल्कि एच एल माइनस एच आर फाइंड किया, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, सो ये माइनस वन हो गया और माइनस वन इज दी बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड. ठीक है अच्छा, इस नोड की हाइट कितनी होगी? हाइट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एच एल और एच आर. ओके तो मैक्सिमम ऑफ एच एल एंड एच आर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा. तो इस नोड की हाइट वन बनी जाएगी. देयर आर टू थिंग्स, वन इज दी हाइट, वन इज दी बैलेंस फैक्टर. वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग बोथ हियर. ओके इस नोड के लिए बात करते हैं बैलेंस फैक्टर के लिए. तो बैलेंस फैक्टर के लिए मुझे हाइट चाहिए इस नोड की. ठीक है तो इसके जो लेफ्ट की हाइट है वो क्या है? वन है. सो इसके लिए जो एच एल हो जाएगा वो हो जाएगा वन प्लस वन, लेफ्ट की हाइट प्लस वन. अच्छा इस नोड के रेस्पेक्ट में राइट है ही नहीं, तो अगर राइट है ही नहीं तो एच आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा. सो द बैलेंस फैक्टर क्या हुआ? एच एल माइनस एच आर प्लस टू हो गया. अच्छा इस नोड की हाइट कितनी हुई? मैक्सिमम ऑफ एच एल एन एच आर, सो टू और जीरो का मैक्सिमम हो गया टू. सिमिलरली अगर मुझे इस नोड की हाइट फाइंड करनी है तो क्या होगा? हाइट और बैलेंस फैक्टर दोनों. तो इसके लिए एच एल कितना होगा? इसका लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है जिसकी हाइट जीरो है, तो जीरो प्लस वन, वन हो गया एच एल. वट विल बी एच आर फॉर दिस? इसके राइट सब ट्री की हाइट प्लस वन, इसके राइट सब ट्री की हाइट है टू, प्लस वन मीन्स थ्री हो गया. बैलेंस फैक्टर कितना हुआ? एच एल माइनस एच आर, वन माइनस थ्री माइनस टू. और इसकी हाइट कितनी हुई? मैक्सिमम ऑफ एच एल एंड एच आर, इसकी हाइट थ्री हो गई. ठीक है अब मैं आपको एक ट्री दे रहा हूं, आप उस ट्री में सभी नोड्स का फाइंड करेंगे हाइट और बैलेंस फैक्टर. इट विल टेक टाइम फॉर यू टू गेट एडजस्टेड टू दिस नोटेशन, सो डोंट वरी इन केस यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन. लेट्स से हमारे पास इस तरह का एक ट्री है, सभी लोग इस तरह के ट्री को अपने कॉपी पे बना लीजिए और हर नोड का हाइट फाइंड कीजिए और बैलेंस फैक्टर फाइंड कीजिए. ओके प्लीज नोट कि आप हाइट के लिए क्या यूज कर रहे हैं. एवरीवन प्लीज सी, आप हाइट के लिए क्या कन्वेंशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए. मान लीजिए कि आप हाइट फाइंड कर रहे हैं किसी नोड का, लेट्स से वो नोड एन है जिसका आप हाइट फाइंड कर रहे हैं. हाइट को फाइंड करने के लिए आप एच एल और एच आर दोनों चीजें फाइंड करेंगे. ओके सो अगर एन नल है, ओके अगर आपका गिवन नोड एन नल है तो आप फाइंड कर रहे हैं एच एल इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है ओके दूसरी चीज, अगर एन डॉट लेफ्ट नल है, डबल इक्वल्स लगा दीजिएगा, एंड एन डॉट राइट भी नल है, ठीक है तो भी एच एल जीरो है, उस नोड की हाइट जीरो मानी जाएगी. एन की लेफ्ट सॉरी एन की जो हाइट है वो जीरो मानी जाएगी. अब जरा बात करते हैं राइट की, राइट में क्या कर रहे हैं? अच्छा सॉरी, अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि ना तो एन नल है ना तो एन डॉट लेफ्ट एंड एन डॉट राइट नल है, तो ये हमने ऑब्वियसली एल्स में फाइंड किया होगा और इसके एल्स में, इसके एल्स में ये फाइंड कर रहे हैं. यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? एच एल इज इक्वल टू, मतलब एच ना तो इस ना तो एन नल है ना तो एन का लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट में कुछ नोड्स हैं. ओके अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे? एच एल इक्वल टू फाइंड करेंगे वन प्लस हाइट ऑफ एन डॉट लेफ्ट, लेफ्ट की हाइट फाइंड के लिए उसमें प्लस वन ऐड कर दीजिएगा, वो एच एल हो जाएगा. ठीक है तो ये तो हमारे लेफ्ट साइड की बात हो गई. ओके सिमिलरली अब राइट साइड की बात करेंगे, चलो इसको नहीं, केवल लेफ्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे.
फिर से चेक करो इसको हमने क्या लिखा है कि अगर नोड एन नल है तो उसकी हाइट जीरो मानी जाएगी, लेफ्ट की हाइट मतलब उसकी, और अगर एन का लेफ्ट नल है तो उसके लेफ्ट की हाइट जीरो मानी जाएगी, ओके लेकिन अगर एन का लेफ्ट नल नहीं है तो हम लेफ्ट की फाइंड करेंगे और उसमें प्लस वन कर देंगे, ये एचएल हो जाएगा फैक्टर हमारे लिए। जैसे हमने एचएल फाइंड किया है वैसे ही हम एचआर फाइंड करेंगे, मतलब कि राइट की हाइट फाइंड करेंगे। ये वैसे मेरे एल्गोरिथम बताने का कोई मुझे जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बताया आपको तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं इसको। दूसरा आपने चेक किया इसके राइट के बारे में, अगर एन का राइट नल है ठीक है तो उस केस में एच आर को आप जीरो मान लीजिए, लेकिन अगर उसका राइट नल नहीं है तो उस केस में एच आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन प्लस रिकर्सिवली फाइंड कर लीजिए इस नोड की राइट की हाइट और उसमें प्लस वन कर दीजिए, दिस विल बी एच आर। आफ्टर फिनिशिंग दिस यू हैव एच आर, आफ्टर फिनिशिंग दिस यू हैव एच एल एन एच आर। अगर आपको हाइट फाइंड करनी है सो आप रिटर्न कर दीजिए मैक्सिमम ऑफ एच एल एन एच आर, ये इसकी हाइट हो गई। और अगर आपको बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है तो उस केस में आप रिटर्न कर दीजिए एच एल माइनस एच आर। ये क्लियर है आपको कि नहीं, प्लीज टेल मी। आपने एच एल फाइंड किया एच आर फाइंड किया, अगर आपको हाइट फाइंड करनी है गिवन नोड की तो उस केस में एच एल माइनस एच आर कर दो, सॉरी मैक्सिमम ऑफ एच एल एन एच आर। और अगर आपको बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है तो एच एल माइनस एच आर रिटर्न कर दो। तो ये ट्री गिवन है, इसके लिए आप जरा फाइंड करें हाइट एंड बैलेंस फैक्टर, हाइट ऑफ एवरी नोड एंड बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड। एवरीवन सर एक बार एल्गोरिथम दिखा दीजिए थोड़ा, मैं इसको दोबारा फ्रेश लिख देता हूँ, आप इसको फाइंड करो मैं इसको फ्रेश लिख देता हूँ, आप इसका बैलेंस फैक्टर वगैरह फाइंड करो सबसे पहले। पॉइंट के लिए आपने नमन हाइट टू बैलेंस फैक्टर निकल गया, से निकाल रहा हूं कर ले रहे हो? यस सर अभी मैं ट्राई तो कर रहा हूं सर, सबसे नीचे वाले से शुरू किया है सर लेफ्ट वाला। ठीक है ये एल्गोरिथम जिसको नोट करना नोट कर ले, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है जो भी एरर्स थी। इसी हाइट वाले फंक्शन को अगर बैलेंस फैक्टर में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला जो स्टेटमेंट है उसमें एच एल माइनस एच आर कर दो। हैज एनीवन कंप्लीटेड द हाइट एंड द बैलेंस फैक्टर्स? यस सर। यस सर।
Okay, so let me try it for you. इस नोड का बैलेंस फैक्टर कितना, सॉरी हाइट कितनी होगी, जीरो होगी. इसकी हाइट जीरो होगी. जितने भी लीफ नोड है उनकी हाइट जीरो होगी. ठीक है, इस नोड की बात करें, इस नोड की हाइट कितनी होगी. मैं काम करता हूँ हाइट को, जो हाइट फैक्टर है वो नोड के अंदर लिख रहा हूँ, और बैलेंस फैक्टर जो होगा वो मैं नोड के बाहर लिखूंगा. तो ये जो लीफ नोड है इनकी हाइट जीरो होगी, लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर भी जीरो होगा. ओके, इस नोड की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट कितनी होगी, वन होगी. और बैलेंस फैक्टर इसका कितना होगा, माइनस वन. ठीक है, इस नोड की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट कितनी है, टू है. टू. और बैलेंस फैक्टर माइनस टू. इस नोट की बात करें तो हाइट इसकी थ्री, बैलेंस फैक्टर थ्री प्लस टू. बैलेंस फैक्टर कैसे प्लस टू हुआ इसका, इस नोट का ध्यान से देखिए. इसके लेफ्ट की हाइट कितनी है, थ्री है. और इसके राइट की हाइट कितनी है, वन मानी जाएगी. सो हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, थ्री माइनस वन, तो प्लस टू हो गया इसका बैलेंस फैक्टर. ये समझ में आ रहा सभी के, इसका बैलेंस फैक्टर कैसे प्लस टू हुआ. यस सर. ओके, इस नोड की अगर हम बात करें तो सर वो माइनस नहीं लेंगे. माइनस कैसे, एच एल माइनस एच आर लेते हैं ना. अच्छा सर. ओके, इस नोड की अगर बात करें तो इसका हाइट सर वन और बैलेंस फैक्टर और माइनस वन बैलेंस फैक्टर माइनस वन बैलेंस फैक्टर माइनस वन. ओके, इस नोड के लिए हाइट टू और बैलेंस फैक्टर टू प्लस टू. अच्छा, इस नोड के लिए अगर बात करें तो हाइट थ्री फोर. आप देख लो थ्री और फोर, एक सेकेंड, थ्री प्लस वन फोर करेंगे और टू प्लस वन थ्री करेंगे. थ्री और फोर का मैक्सिमम फोर हो गया, और थ्री माइनस फोर करेंगे इस नोड का बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, माइनस वन. ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस फैक्टर एंड हाइट ऑफ द ट्री. सभी लोगों को समझ में आ गया ये? यस सर. ये जो फोर हाइट वाला नोड है, रूट नोड सर? नहीं, जिसके अंदर हाइट वन है एंड बैलेंस फैक्टर माइनस वन आया है, ये वाला. दिस वन? यस सर. ओके, इस नोड के लिए एचएल क्या है? व्हाट इज एचएल? नोड एग्जिस्ट नहीं करता लेफ्ट में तो जीरो हो जाएगा. इस नोड के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है ना? यस सर. इसका एचएल जीरो हो जाएगा. इसका एचआर कितना होगा? एचआर विल बी इक्वल्स टू, राइट एग्जिस्ट करता है तो राइट की हाइट है जीरो, एचआर हो जाएगा जीरो प्लस वन. मैक्सिमम ऑफ एच एल एन एच आर क्या होगा? ओके सर, यही गलती हो रही थी. और बैलेंस फैक्टर के लिए एच एल माइनस एच आर. ओके सर, एक बार ये टॉप वाला बता दे जो एकदम टॉप पे फोर है, यहाँ पे लिखा है. हाँ, एकदम ठीक है, रूट नोट कर सर. ये जो यस यस प्लीज बोलिए 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 सर. ये जो लेफ्ट में एच एल माइनस एच आर बैलेंस के लिए लेते हैं तो सर टू माइनस टू हो नहीं हो सकता? नहीं, वो ऐसा नहीं फाइंड करते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं. इस रूट नोड का हम फाइंड कर रहे हैं. रूट नोड के लिए एच एल हुआ लेफ्ट की हाइट. लेफ्ट की हाइट देखिए रूट के नोड के अंदर हमने लिखी हुई है टू प्लस वन. और राइट की हाइट कितनी हो जाएगी? रूट के नोड के अंदर हमने लिखा हुआ है थ्री प्लस वन. सो दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर.
इस नोड की हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ एच एल एन एच आर मतलब 4, और इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या हुआ, एच एल माइनस एच आर, सो 3 - 4 - 1. इज दैट क्लियर? यस सर. बॉटम से टॉप की तरफ हम इसीलिए चलते हैं कि बॉटम से फाइंड करना आसान है, टॉप वाला बॉटम पे डिपेंडेंसी होती है. ओके सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बैलेंस फैक्टर के लिए एच एल माइनस एच आर लिखवाया है, ठीक है, तो सर यहाँ पे एच एल प्लस वन आप क्यों कर दे रहे हैं? एक्चुअली किसी भी नोड की हाइट हम किस फार्मूला से फाइंड कर रहे हैं, देखो ये देखो, व्हाट इज दिस, अगर हमें एच एल निकालना है तो हम लेफ्ट की हाइट निकाल रहे हैं और प्लस वन कर दे रहे हैं. अगर आप पुराना वाला फार्मूला याद करो तो पुराने वाला फार्मूला में हम क्या करते थे, हम हाइट ऑफ लेफ्ट फाइंड करते थे, फिर हाइट ऑफ राइट फाइंड करते थे, और इन दोनों का मैक्सिमम फाइंड करते थे और प्लस वन कर देते थे. ये करते थे? यस और नो? यस सर. तो ये जो वन है ना, हमने इसको अंदर ही ले लिया एक तरह से, मान लो ये जो वन है ना, इसको हमने अंदर ही ले लिया ऐसा मान लो. और ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि हमें बैलेंस फैक्टर फाइंड करना था. ओके चलो, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा. तो पहली बात तो मान लो कि हमारे पास तीन कीज गिवन है, 100, 50 और 40. इससे मुझे बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, तो आप मुझे बताएंगे कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनेगा? 100 रूट नोड, ठीक है, उसके जो लेफ्ट में 50, ठीक है, और उसके लेफ्ट में 40, ठीक है. ये जो ट्री हमारा बन रहा है, ये मुझे बताइए कि बैलेंस्ड है कि नहीं है. बैलेंस्ड है या नहीं आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर बैलेंस फैक्टर प्लस वन माइनस वन और जीरो में से किसी कुछ भी है हर नोड का, तो मानेंगे कि बैलेंस्ड है. लेकिन यह प्लस टू या माइनस टू आ जाएगा तो हम कहेंगे कि बैलेंस्ड नहीं है. नहीं है सर. बैलेंस फैक्टर बताइए इस नोड का, 40 का. जीरो. जीरो. और 50 का? वन. वन. और 100 का? टू. टू है बैलेंस फैक्टर, तो टू वाला अनबैलेंस्ड है. ठीक है, तो एक काम करो, यू सी आई कांट शो इट लाइक दिस, बट इसमें ऐसा मानो कि यू हैव पुट योर थंब ऑन दी, अच्छा चलो ऐसे नहीं, इसमें मार्क कर लो, ये नोड मान लो एक्स है और ये नोड वाई है. ओके अभी भी रुको, एक्स वाई भी मत मार्क करो. ये मुझे बताओ कि अनबैलेंस्ड नोड के रेस्पेक्ट में लास्ट इंसर्शन कब हुआ है, कैसे हुआ है? एक मिनट रुक जाओ, छोड़ो इन सब चीजों को, छोड़ो. पहले मुझे बताओ कि मान लो 100 मैंने इंसर्ट किया, केवल 100 के इंसर्शन के बाद ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है? यस सर. अच्छा मान लो 50 हमने इंसर्ट कर दिया, अब बताओ मुझे ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है? यस सर. इसका बैलेंस फैक्टर जीरो, इसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन है, तो बैलेंस ही है. अब मान लो 40 इंसर्ट हुआ, ठीक है, अभी जो करेंटली इंसर्शन हुआ है वो 40 का हुआ है, 40 के इंसर्शन के बाद बैलेंस फैक्टर इसका जीरो, इसका बैलेंस फैक्टर वन और इसका बैलेंस फैक्टर टू. डिस्टर्बेंस हो गया, मतलब कि बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो गया, जो हम चाह रहे थे वो नहीं है. तो अनबैलेंस नोड कौन सा है? Which is the unbalanced node? Sir, 100. 100 वाला. 100. Unbalanced node जो जिसका balance factor disturb हो वो unbalanced है, जिसका balance factor सही है वो सही है. तो disturbed node है हमारा 100 वाला, या balance factor जिसका 2 है. तो इसके respect में insertion हुआ कहाँ है? Unbalanced node के respect में insertion कहाँ हुआ? Left में. Am I correct? Unbalanced node के respect में insertion हुआ है left के left में. Is that correct? Yes sir. Yes sir. Unbalanced node. Yes, I repeat. Unbalanced node के respect में insertion हुआ है left के left में. है ना? तो इसका मतलब कि हम LL rotation करके इसको balance करेंगे.
लेफ्ट के लेफ्ट में हुआ, इसलिए एल एल रोटेशन करके इसको करेक्ट कर देंगे, बैलेंस फैक्टर करेक्ट करेंगे। बैलेंस फैक्टर करेक्ट कैसे करेंगे, अनबैलेंस नोड को एक्स मान लो और इसके लेफ्ट वाले नोड को वाई मान लो, अनबैलेंस नोड को एक्स, इसके लेफ्ट वाले नोड को वाई। एक काम करो, वाई पे अपना थंब रखो और इंडेक्स फिंगर रखो 100 पे, ठीक है? सभी लोग ट्राई करो अपने कॉपी पे, थंब रखिए वाई पे और अपना इंडेक्स फिंगर रखिए एक्स पे और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, ठीक है? क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। आर यू ऑब्टेनिंग दिस ट्री? Are you obtaining this tree or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या मैंने बताया आपको, Y पे थम और इंडेक्स फिंगर X पे और उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, राइट की तरफ रोटेट कर दीजिए। तो ये जो ट्री है बैलेंस है कि नहीं, दिख रहा है आपको बैलेंस की नहीं दिख रहा? सबका बैलेंस फैक्टर जीरो दिख रहा है इसका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, फॉरगेट अबाउट दिस ट्री नाउ। मान लीजिए आपको इंसर्शन करना है 100, 150 और 200। 100 मैंने सबसे पहले रूट नोड बनाया, क्या ये बैलेंस्ड है? ट्री बैलेंस्ड है? यस सर। 150 इंसर्ट कर दिया 100 के राइट में, अभी भी बैलेंस्ड है ये? यस सर। इसका बैलेंस फैक्टर जीरो, इसका बैलेंस फैक्टर, सॉरी, इसका बैलेंस फैक्टर है -1 और इसका बैलेंस फैक्टर है जीरो, तो बैलेंस्ड ही होगा, ठीक है? अच्छा, अब मान लीजिए आपने 200 इंसर्ट कर दिया, तो 200 इसके राइट में आएगा। अब बताइए बैलेंस फैक्टर क्या है नोट्स के? -2 सर, अनबैलेंस है। और लोगों करने दीजिए, इस नोट का बैलेंस जीरो है, इस नोट का -1 और इस नोट का -2। ओके, अनबैलेंस नोट कौन सा है? 100 वाला। 100 के रेस्पेक्ट में इंसर्शन कहाँ हुआ है? 100 के रेस्पेक्ट में इंसर्शन कहाँ हुआ है? राइट के राइट, राइट में, राइट। अनबैलेंस नोड के रेस्पेक्ट में इंसर्शन कहाँ हुआ है? राइट के राइट में हुआ है। इसलिए हम आर आर रोटेशन करके, राइट के राइट में इंसर्शन हुआ, इसलिए आर आर रोटेशन करके इस ट्री को करेक्ट करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, अनबैलेंस नोड को एक्स मान लीजिए, इसके राइट वाले नोड को वाई मान लीजिए, पुट योर थंब ऑन दी वाई एंड इंडेक्स फिंगर ऑन एक्स एंड रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अपने थंब को रखिए वाई पे, इंडेक्स फिंगर को रखिए एक्स पे और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, ओके? क्या इसका रिजल्ट ये है? नया रूट बन गया, इसके लेफ्ट में आ गया। क्या ये ट्री बैलेंस्ड है? यस सर। यस सर। ओके, फॉरगेट अबाउट इट। मान लीजिए कि आपके पास कुछ कीज गिवन है, 100, 20 और 70। सबसे पहले मैंने 100 को इंसर्ट किया, क्या ट्री बैलेंस्ड है? यस सर। अब मैंने 20 को इंसर्ट किया, क्या ट्री बैलेंस्ड है? यस सर। यस सर। अब मैंने 70 इंसर्ट किया, बैलेंस फैक्टर जरा फाइंड करें हर नोट का, इसका जीरो, इसका 20 का -1 और 100 का +2। ये सभी लोग समझ पा रहे हैं कैसे +2 हुआ 100 का? यस सर। ओके, अनबैलेंस नोट कौन सा है?
हंड्रेड का इन्वर्शन कहाँ हुआ है? लेफ्ट के राइट में. हंड्रेड के रेस्पेक्ट में इन्वर्शन हुआ है लेफ्ट के राइट में. तो हम एल आर रोटेशन करके इसको बैलेंस करेंगे. ठीक है, अनबैलेंस नोड के रेस्पेक्ट में अगर इन्वर्शन हुआ है लेफ्ट के राइट में, तो हम एल आर रोटेशन करेंगे और इसको बैलेंस करेंगे. अब एल आर रोटेशन कैसे होगा? एल आर रोटेशन के लिए फिर ऐसे करो, इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो. ठीक है, और एक काम करो, इसको जेड मान लो. कैसे, किसको जेड बना? लेफ्ट को वाई और राइट को जेड. ओके, अब आप ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं. ये जो दोनों नोड्स है ना, इन दोनों को ऐसे रोटेट करो एक साथ पकड़ के. ठीक है, वाई और जेड को एक साथ रोटेट करो, लेफ्ट की तरफ रोटेट करो. तो मुझे ये बताओ कि क्या इसका आंसर ये है? इसके बाद टेल मी इफ यू आर ऑब्टेनिंग दिस आंसर. अगर आपने वाई और जेड को दोनों को एक साथ पकड़ के लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया, तो क्या आंसर ये है? टेल मी. एक्स को आपने वहीं रहने दिया जहां पे था एक्स. द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग इट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस वाई एंड जेड. वाई और जेड को दोनों को आपने एक साथ पकड़ा और इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया. ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या है? इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया. सर जो जेड वाला होगा वो एक्स के साथ नहीं जुड़ जाएगा? किसके साथ? एक्स के साथ जुड़ तो गया. ये एक्स है, एक्स के लेफ्ट में आ गया. एक सेकंड, एक्स के लेफ्ट में जेड आ गया और जेड के लेफ्ट में जो है वाई आ गया. तो 20 वाला एक्स से ही जुड़ा रहेगा मतलब? सर नहीं, वो जो हमारा एसोसिएशन है उसको हम तोड़ रहे हैं. हर रोटेशन में हमें एसोसिएशन तोड़ना पड़ेगा, कुछ नए एसोसिएशंस बनाने पड़ेंगे. ओके सर. ठीक है, ये सभी लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा. सर पिछले रोटेशंस में एसोसिएशन टूटे थे क्या? पिछले एक्चुअली कहना है पिछले रोटेशन जैसा ही कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन चलो एक मिनट पीछे देखते हैं. पिछले रोटेशन जैसा ही हम कर रहे हैं, जब हम इसके एल्गोरिथम देखेंगे तो आप इसको इसके बारे में आपकी क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी. हम क्या कर रहे हैं पहले आप ये समझिए. इसमें एल आर रोटेशन में लेफ्ट को आपने वाई मान लिया और राइट को जेड मान लिया. पहले तो जो नोड अनबैलेंस्ड है उसको एक्स माना, इसके लेफ्ट को वाई और इसके राइट को जेड. एल आर कर रहे हैं इसलिए लेफ्ट को वाई राइट को जेड. अब आपने इन दोनों नोड्स को लिया, वाई को और जेड को, दोनों को आपने एक साथ पकड़ा. जैसे आप कह रहे थे ना थंब और इंडेक्स फिंगर, आप रखिए थंब वाई पे, इंडेक्स फिंगर रखिए जेड पे और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, अगेन थंब ऑन वाई, इंडेक्स फिंगर ऑन जेड और इसको रोटेट करने की कोशिश कीजिए एंटी क्लॉकवाइज. जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा कि 70 यहां आ जाएगा और इसके लेफ्ट में 20 आ जाएगा. फॉरगेट अबाउट द एसोसिएशन आर बीइंग फॉर्म. आप बताइए कि क्या ये सही है या नहीं? ये x है और ये z है और ये y. दिस एक्चुअली इज द की. अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा. सर दोबारा समझा दीजिए. ठीक है, वाई पे रखिए अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर रखिए जेड पे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए दोनों को साथ साथ. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए दोनों को साथ साथ. क्या आपको ये रिजल्ट मिला? मतलब आप 70 को घुमा रहे हैं राइट, माने उधर एंटी क्लॉकवाइज, और 20 को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं. दोनों को एक साथ घुमा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, है ना? एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन को कितने डिग्री चेंज किया, 90 डिग्री चेंज कर दिया. तो क्या इसके बाद ये रिजल्ट आया कि नहीं जो हमने लिखा? नमन ये समझ में आया नहीं? यस सर. यस सर. ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? अभी एक ही स्टेप हुआ, अभी हमें एक स्टेप और करना है. एक स्टेप ये करेंगे कि इसको अगेन, मतलब ये जो एक्स नोड है इसको अगेन राइट की तरफ रोटेट करेंगे. तो अभी
आपको क्या करना है, जेड पे थंब रखना है, एक्स पे इंडेक्स फिंगर, और इसको राइट की तरफ रोटेट करना है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसके बाद क्या होगा, 70 यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, इज दैट द रिजल्ट। ये जेड, ये एक्स, ये वाई। टेल मी इफ दिस इज करेक्ट। यस सर, यस सर। ये बैलेंस्ड है, सारे नोट्स, सारे नोट्स बैलेंस्ड हैं। यस सर। अच्छा, इसमें आपने दो बार रोटेशन चलाया, इसीलिए हम एल आर रोटेशन को कहते हैं, ये डबल रोटेशन है। ओके, एल आर रोटेशन इज दी डबल रोटेशन। ओके, नाउ सी कि आपने डबल रोटेशन में किया क्या, एल आर रोटेशन कर रहे थे ना आप, तो सबसे पहले आप लेफ्ट में रोटेट करते हैं। ये देखिए, वाई और जेड को जो आप रोटेट कर रहे हैं वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं, और फिर आप राइट की तरफ रोटेट कर रहे हैं इस एक्स को। एल आर में पहले एल करते हैं, देन आर करते हैं, मतलब लेफ्ट की तरफ रोटेट पहले करते हैं और राइट की तरफ रोटेट नेक्स्ट करते हैं। ओके, आगे चलें। नोट कर लिया है आपने? यस सर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास सर, पता चलेगा किसका करना है? अभी अभी देखते हैं, इस वाले से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। मान लीजिए कि 200, 100 और 150 हमें इंसर्ट करना है। सो 200 हमने इंसर्ट किया, इसके लेफ्ट में 100 ले लिया, क्या बैलेंस्ड है अभी? यस सर, यस सर। 150 इंसर्ट करना है, इसके राइट में इंसर्ट कर देते हैं। अब बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड। इसका प्लस 2 है, इसका माइनस का 0 है। अनबैलेंस्ड नोट कौन सा है? 200 के रेस्पेक्ट में इंसर्शन कहाँ हुआ है? लेफ्ट के राइट में, राइट। तो कौन सा रोटेशन करेंगे? एल आर। ठीक है, पहला पिछला वाला ही रोटेशन है, जस्ट मैं एक और एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसके लेफ्ट को वाई और इसके राइट को जेड। किसको एक्स माना? अनबैलेंस नोट को। किसको लेफ्ट, किसको वाई माना? लेफ्ट वाले नोट को। किसको राइट माना? वाई के राइट को। एल आर है तो हम एल आर पैटर्न पे ही चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वाई और जेड को पकड़ के लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया। आंसर क्या आया? 200 इसके लेफ्ट में, 150 और इसके लेफ्ट में 100। ये क्लियर है सबको? वाई और जेड को हमने लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया 90 डिग्री। पहले लेफ्ट की तरफ रोटेट किया क्योंकि हम एल आर रोटेशन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी। यस सर। हो गया ये जेड हो गया और ये वाई हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि एक्स नोड को राइट की तरफ रोटेट करना है, मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो जेड पे थंब, एक्स पे इंडेक्स फिंगर, क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। सो दिस हैज बिकम 150, दिस हैज यस सर। सभी नोट्स के बैलेंस सही हैं? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव 100, नेक्स्ट नोड इज 150, नेक्स्ट नोड टू बी इंसर्टेड इज 120। सो 100 इसके राइट में, 150। थ्री बताइए, बैलेंस्ड है अब तक कि नहीं? यस सर, बैलेंस्ड। यस सर। ओके, अब 120 हमने इंसर्ट किया, तो 120 इधर इंसर्ट होगा 150 के लेफ्ट में। फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर्स, इसका 0, इसका प्लस 1 और इसका माइनस 2। माइनस 2 कैसे आ रहा है, पता चल रहा है आपको? यस सर। ओके, यस सर। अनबैलेंस नोट कौन सा है? 100 वाला। यस सर। इसके रेस्पेक्ट में इंसर्शन कहाँ हुआ है, राइट के लेफ्ट में? लेफ्ट।
राइट वाले नोड को वाई मान लीजिए, लेफ्ट वाले नोड को जेड मान लीजिए. इसके रेस्पेक्ट में इंसर्शन हुआ है राइट के लेफ्ट में, तो हम रोटेशन करेंगे आर एल. जैसे एल आर रोटेशन कर रहे थे, ऐसे यहाँ आर एल रोटेशन करेंगे. डबल रोटेशन है ये भी. कैसे करेंगे आर एल रोटेशन? सबसे पहले राइट की तरफ रोटेट करेंगे. किसको? वाई और जेड को. वाई और जेड को राइट की तरफ रोटेट कर दो. इसका रिजल्ट आया ये, चेक कीजिए रिजल्ट सही है कि नहीं. वाई और जेड दोनों को हमने एक साथ पकड़ा, और माने जेड पे थंब, वाई पे इंडेक्स फिंगर, इसको क्लॉक वाइज रोटेट कर दिया. राइट की तरफ रोटेशन मतलब क्लॉक वाइज रोटेशन. इसका रिजल्ट आया है या नहीं आया, आप मुझे बताइएगा. ये एक्स, ये जेड या वाई. नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, जेड पे थंब रखते हैं, एक्स पे इंडेक्स फिंगर, और इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देते हैं. ओके, जेड पे थंब, एक्स पे इंडेक्स फिंगर, उसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर देते हैं, मतलब लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देते हैं. इसका रिजल्ट ये आया, यहाँ पे 120, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 150. इज दैट करेक्ट? यस सर. यस. क्या ये सब सभी नोट्स बैलेंस्ड हैं? सबका बैलेंस फैक्टर जीरो है? यस सर. ओके, तो हमने कौन कौन से रोटेशन देखे? एल एल, आर आर, एल आर और आर एल, ये चार रोटेशन हैं. इनमें से एल आर और आर एल जो है वो डबल रोटेशन. ओके, एल आर और आर एल जो है वो डबल रोटेशन है. ओके, क्विकली हम एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सा एग्जांपल, और जिसमें कि कुछ कीज होंगे और उसको हमें एविल ट्री बनाना है. तो ऐसा मान लेते हैं, ये जो हमने ट्री पढ़ रहे हैं ना, इसको एविल ट्री कहते हैं. एविल के बारे में थोड़ा और हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो एविल ट्री इज ओके, ये हमारा एक एग्जांपल है. ए वी एल टी आर ई आई एस, ओके. इसमें जरा नंबर मार्क करें तो ए को 1 दे दें, ई को 5 दे दें. बताइए, आप नंबर मार्क कराइए आप में से कोई एक. अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के जो नंबर सारे, आई को 6 दे दें. 6 नहीं आएगा, 7 आएगा. 7 भी नहीं आएगा, और ज्यादा आएगा. 9 आएगा सर. 9 आएगा सर. आई 9 हो गया. और 22 कौन सा? वी के 11 22 और एल के 11 सर. के 11 एल 12 L 12 और T 16 T 20 T 20 और R 18 18 18 और S 19 19 O 15 16 O is 16 or 15? 15 15 है सर. 15 15 और K 11 11 11 जरा इनकी को जरा अरेंज कर लें बार, हमें किस किस को इंसर्ट करना है. 1 22 12 20, 18, 5, 9, 19, 15 और 11. इसी को हमें इंसर्ट करना है. ये सीक्वेंस सही है? यस सर. ओके, एक एक करके इंसर्शन करते हैं. सबसे पहले 1 को रूट नोड बना लेते हैं. ट्री बैलेंस्ड है? यस सर. 22 इंसर्ट करते हैं. 22 को इसके राइट में इंसर्ट कर देते हैं. ट्री बैलेंस्ड है? यस सर. 12 को इंसर्ट करते हैं, 1 के राइट, 22 के लेफ्ट. क्या ट्री बैलेंस्ड है? नो नो. इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1, इसका बैलेंस फैक्टर -2. अनबैलेंस्ड नोड के रेस्पेक्ट में इंसर्शन कहां हुआ है? राइट के लेफ्ट में. कौन सा रोटेशन करेंगे? आर एल. आर एल. आर एल. नमन समझ में आया कौन सा इंसर्शन करेंगे? यस सर. आर एल रोटेशन करेंगे. ओके, आर एल रोटेशन कैसे होगा? इसको एक्स मान लीजिए, राइट को वाई और लेफ्ट को जेड. वाई और जेड को राइट की तरफ पहले रोटेट करेंगे. आंसर क्या आएगा? 1 इसके राइट में, 12 इसके राइट में, 22. ये डबल रोटेशन है, ये डबल रोटेशन है.
आर हो गया एल कर दो, एक्स को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दो, ये जेड हो गया, सॉरी ये एक्स हो गया, ये जेड 22, जेड रूट नोड बन गया एक्स इसके लेफ्ट में और 22 इसके राइट में, ये सही बना। कितने लोग इस ट्री को समझ पाए? यस सर, यस सर, यस सर। सबसे पहले आपने वाई और जेड को राइट की तरफ रोटेट किया एंड देन एक्स को लेफ्ट की तरफ, तो आर एल रोटेशन हो गया, आर एल रोटेशन का रिजल्ट ये है। नेक्स्ट की इंसर्ट कीजिए 20, 20 को कहाँ इंसर्ट करें? 12 से बड़ा, 20 से छोटा, 22 से छोटा। बैलेंस फैक्टर फाइंड कीजिए जरा हर नोड का, फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड। इसका जीरो है, इसका प्लस वन होगा, इसका जीरो होगा, इसका होगा माइनस वन। सही है गलत? सही है सर। प्लीज चेक इफ द बैलेंस फैक्टर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इंसर्ट करना है 18। 18 को 20 के लेफ्ट में इंसर्ट कर दें, 12 से बड़ा है, 22 से छोटा है और 20 से भी छोटा है। वेरी इंटरेस्टिंग केसेस, वेरी इंटरेस्टिंग केसेस गोइंग टू कम हियर, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। We will have to find the new balance factors here. 18 का balance factor 0 मान लें, leaf node है ना, 20 का 1 मान लें, 20 का 1? Yes sir. 22 का plus 2. और 12 का माइनस टू, माइनस टू का माइनस टू। नाउ सी, दो ऐसे नोड जो अनबैलेंस हैं, एक है 12 एक है 22। अब इसमें से हम किसको माने कि किसको बेस माने जिसके अकॉर्डिंग हम रोटेशन करें, तो इसके लिए रूल ये कहता है कि जो नोड अभी भी इन्वर्ट हुआ वो 18 था, 18 से yes, इस वाले नोड की दूरी जो है वो 2 है, 2 है, और 18 से इस वाले नोड की जो दूरी है वो 3 है, या अगर आप इसको 2 या 3 से नहीं समझ पा रहे तो आप ये तो कह ही सकते हैं कि 18 से 22 करीब है और 12 थोड़ा सा दूर है। यस सर। तो नियरेस्ट अनबैलेंस्ड नोड के रेस्पेक्ट में, जो नोड इन्वर्ट हुआ है उसके नियरेस्ट अनबैलेंस्ड नोड के रेस्पेक्ट में रोटेशन किया जाता है, तो 18 के रेस्पेक्ट में नियरेस्ट ये वाला है 22, इसके रेस्पेक्ट में हम रोटेशन करेंगे। तो जरा बताइए कि अगर ये अनबैलेंस्ड नोड है, कौन सा 22, तो इसके रेस्पेक्ट में इंसर्शन कहाँ हुआ है? लेफ्ट के लेफ्ट में, लेफ्ट के लेफ्ट। यस सर, अनबैलेंस्ड नोड के रेस्पेक्ट में इंसर्शन हुआ है लेफ्ट के लेफ्ट में, इसलिए हम कौन सा रोटेशन करेंगे? एलएल रोटेशन। एलएल, एलएल में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो सबट्री जिसको आप रोटेट कर रहे हैं वो बन जाएगा 20, इसके लेफ्ट में 18 और इसके राइट में 22। ये सबट्री तो करेक्ट है ना, जिस सबट्री को आप रोटेट कर रहे हैं? यस सर। अब बाकी जो पार्ट है उसको ऐसे ही बना दीजिए, ट्वेल्व और वन वाला पार्ट, 12 पे राइट में आ जाएगा नया वाला रूट, नया वाला रूट 20 है। ठीक है, और 12 के लेफ्ट में 1, ये सही है कि गलत है? प्लीज चेक कीजिए, एवरीवन प्लीज चेक। यस सर, सही है। ठीक है, 12 के लेफ्ट में नया वाला रूट आ जाएगा। नेक्स्ट किसको इंसर्ट करें? 5, यस सर, यस सर। नेक्स्ट इंसर्ट करें 5, 5 कहां पे इंसर्ट करते हैं? 12 से छोटा है, 1 के राइट में, राइट के 1 से बड़ा है। सर अब 12 के लिए नहीं देखेंगे हम, क्या बैलेंस फैक्टर? यस सर, आप चेक कर लो 12 का बैलेंस फैक्टर सही हो चुका है, बैलेंस हो गया सर, उसका बैलेंस फैक्टर -1 आ चुका है। ओके सर, एक बार रोटेशन करोगे तो पूरा ट्री करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
अच्छा 5 इंसर्ट किया, 5 1 के राइट में हो गया. आप चेक कर लो बैलेंस फैक्टर सही है गलत नहीं. 9 इंसर्ट करते हैं, 12 से छोटा, 1 से बड़ा और 5 से भी बड़ा. बैलेंस फैक्टर जरा फाइंड करो. इसका 0, इसका प्लस 1, सॉरी माइनस 1, माइनस 2, इसका प्लस 1, इसका 0, इसका 0, इसका 0. सही मैंने फाइंड किया बैलेंस फैक्टर. Yes, sir. Tell me, these balance factors yes, are correct? So, unbalanced कौन सा हुआ? One is unbalanced. One के respect में insertion कहाँ हुआ है? Right के right. Right के right. तो कौन सा rotation करें? RR. RR? RR. RR के लिए क्या करेंगे? X इसको मान लें, right को Y और right को Z. एक्स को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. तो ये सब ट्री जिसको हम रोटेट कर रहे हैं क्या वो ऐसा बन जाएगा? जिस सब ट्री को हम रोटेट कर रहे हैं वो ऐसा ही बनेगा ना. बाकी से इसको कनेक्ट कर दो. ये सही है? यस सर. यस सर. ओके okay, अब 19 को इंसर्ट करते हैं. 12 से बड़ा, 20 से छोटा, 18 से बड़ा. सही है ये? टेल मी इफ दिस इज करेक्ट. बैलेंस फैक्टर फाइंड करो, सही आएगा. मैं नहीं फाइंड करो, आप देख लेना. मुझे देखने से सही लग रहा है, आपको भी देखने से सही लग रहा होगा ये. 15, 12 से बड़ा, 20 से छोटा, 18 से छोटा, 15 इसके लेफ्ट में आ गया. अभी भी ये ट्री सही दिख रहा है, बैलेंस फैक्टर सबका सही है. 11, 12 से छोटा, 5 से बड़ा और 9 से भी बड़ा. अभी भी बैलेंस फैक्टर सही है, आप चेक कर लेना सही है. तो ये जो ट्री हमने बनाया इसमें हमने इंश्योर क्यूनेस ना हो, ठीक है. फाइनल रिजल्ट ट्री आप क्या देंगे? रिजल्ट ट्री जो आप देंगे उसमें अल्फाबेट्स होंगे, उसमें न्यूमरल्स नहीं होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होंगे. तो इसको आप वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. टेल मी व्हाट शुड आई राइट इन द प्लेस ऑफ 1? आई शुड राइट ए. 5 की जगह ई लिख दें, 9 की जगह आई लिख दें, यहाँ पे यहाँ L लिख देते हैं, फिर L M N O Q R. T. नाइनटीन की जगह थोड़ी गलती हो रही है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है. आप सभी लोग कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं इसको अल्फाबेट्स में. सर कर लेंगे ना आप इसको अल्फाबेट्स में कन्वर्ट? यस सर. यस ओके. अब एक क्वेश्चन ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए खुद से. ये है M Y A R M I S B E F C T, ये लेटर्स हैं.
नहीं करना चाहते और इसको आप किसी वर्ड से पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट सी दैट देयर आर सम लेटर्स और आपको इसको कन्वर्ट करना है. लेट्स से यहाँ पे एन है. कितने लोगों को लगता है वो कर लेंगे? कॉन्फिडेंट है? यस सर. कीजिए कोशिश कीजिए. वी हैव थ्री फोर मिनट्स. आशुतोष त्रिपाठी आशुतोष सर. हाँ जी सर. जो इसकी नंबरिंग देंगे हम लोग वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे ना? Thirteen for M. Yes, sir. 25 for Y. Twenty-five. Okay, one for A one. And R ke liye. 18. For N. 14. 14. I. 9. S. 19. P. 16. Okay, for E, 5. For F, 6. 6. For C, 3. For T, 20. 20. So these are the numbers for which you had to form the evil tree. So first of all, I have 13 ko root bana diya. 25 ko iska right. Kya ye balanced hai abhi tak? Yes, sir. Okay, so we're going to insert one also here. Kya abhi bhi balanced hai ye? Yes, no, tell sir. Me if it is balanced. No. Why it is not balanced? Which of the number is restricting? I'm not checking the balance factor. Zero hai sabka yaar, dikh raha hai. Just see that it is zero for every character. Every node, sorry. R इंसर्ट करें 18, 13 से बड़ा 25 से छोटा, 18 इधर आया. अभी भी बैलेंस्ड है या नहीं है? यस सर. बैलेंस है या नहीं है? एवरीवन प्लीज फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर. 18 का बैलेंस फैक्टर क्या है? जीरो.
रूल वही फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक बार कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, दूसरे को चांस दें। वन का बैलेंस फैक्टर क्या हो? जीरो जीरो जीरो। 25 का प्लस वन, और 13 का माइनस टू माइनस वन। बैलेंस ठीक है, बैलेंस फैक्टर फाइंड करने का एक मैं आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, ठीक है? सभी लोग देखिए इसका बैलेंस फैक्टर को शॉर्टकट, लेवल कर लीजिए, ये जीरो लेवल, ये सारे नोट्स वन लेवल पे, और एक ही नोट है केवल टू लेवल पे, ठीक है? लेवलिंग आपने कर लिया है, ये जो वन आ रहा है ये भी वन लेवल पे है। मान लीजिए आपको अगर 13 का बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है तो लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट आप फाइंड करते हैं, तो जो लेफ्ट पे लास्ट लेवल पे नोड है वो कहाँ पे है? वन लेवल पे है। चेक कीजिए, आप ये देख पा रहे हैं? यस सर। और राइट में जो लास्ट नोड है वो कहाँ पे है, किस लेवल पे है? टू पे। टू लेवल, तो वन माइनस टू कर दीजिए माइनस फैक्टर। आप बात समझ पाए? लास्ट नोड फाइंड कीजिए कहाँ पे, किस लेवल पे है, लेफ्ट में या किस लेवल, लेफ्ट माइनस कर दीजिए, वही बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। ओके, नाउ मान लीजिए कि अब आपको इंसर्ट करना है 14, तो 14 आप कैसे इंसर्ट करेंगे? 13 इज द रूट नोड, 1 इज हियर, 25 इज हियर एंड 18 इज हियर। नाउ यू हैव टू इंसर्ट अ नोड 14, 13 से बड़ा है, 18 से छोटा है, इसलिए 18 के लेफ्ट में आ गया। नाउ फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर। ओके, बैलेंस फैक्टर फाइंड करने के लिए लेवलिंग कर लीजिए, जीरो लेवल, वन लेवल, जस्ट अ मिनट, टू लेवल एंड थ्री लेवल। सबकी लेवलिंग आपने कर लिया है। बैलेंस फैक्टर फाइंड करने के लिए 14 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 14 रूट नोड, सॉरी लीफ नोड है, हर लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर जीरो होगा, वन का भी बैलेंस फैक्टर जीरो होगा। 18 का बैलेंस फैक्टर फाइंड करने के लिए 18 का लेफ्ट सबट्री थ्री लेवल तक आ रहा है और इसका राइट सबट्री है नहीं। अगर किसी का राइट सबट्री नहीं है तो इस नोड को ही, इस नोड की जो लेवल है उसी को हम मान लेते हैं राइट का लेवल। लेफ्ट का लेवल है थ्री, राइट का लेवल है टू, सो थ्री माइनस टू इसका बैलेंस फैक्टर हो गया प्लस वन। फिर से देखिए इसका हमने बैलेंस फैक्टर शॉर्टकट में कैसे फाइंड किया। इस 18 के लेफ्ट वाला जो नोड है वो लेवल 3 पे है, राइट वाला है नहीं, तो हम इसी नोड का जो लेवल है उसी को मान लेते हैं राइट का लेवल। इस नोड का लेवल 2 है, सो 3 माइनस 2 1 हो गया इसका बैलेंस फैक्टर। 25 का बैलेंस फैक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे? इसके लेफ्ट का लास्ट लेवल है 3, इसका राइट है नहीं, तो इस नोड का ही लेवल मान लिया जाएगा राइट, मतलब 1, 3 माइनस 2 इज 2, बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड इज 2। 13 का बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? लेफ्ट का बैलेंस फैक्टर माइनस राइट, सॉरी लेफ्ट का लास्ट लेवल और राइट का लास्ट लेवल। लेफ्ट का लास्ट लेवल है 1, चेक कीजिए ये जो 1 नोड है ये किस लेवल पे है? 1 लेवल पे है। और राइट में जो नोड्स हैं उसमें लास्ट लेवल है 14, तो लास्ट लेवल इसका 3 है, सो 1 माइनस 3 बैलेंस फैक्टर इसका हो गया माइनस 2, ठीक है? इसका बैलेंस फैक्टर हो गया माइनस टू। सो देर आर टू नोड्स विच आर अनबैलेंस्ड, एक माइनस टू वाला और प्लस टू वाला। अब हम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशन करें, माइनस टू वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग या प्लस टू वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग? टेल मी, जो हम रोटेशन करें वो किसके रेस्पेक्ट में करें, माइनस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग या टू के कॉरेस्पॉन्डिंग? प्लस टू वाला सर। वाई प्लस टू सर? क्योंकि जो सबसे आखिर में एंटर हुआ है वो 4 हुआ है और 4 से जो नियरेस्ट एलिमेंट है वो 20 हुआ है। ओके, समवन इज ऑन म्यूट, प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। हु इज दिस वन व्हिच इज ऑन म्यूट? सेजल, प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। ओके, सो जो नोड इंसर्ट हुआ है उसके रेस्पेक्ट में नियरेस्ट अनबैलेंस्ड नोड कौन सा है? तो अभी अभी जो नोड इंसर्ट हुआ है वो है हमारा 14, 14 के रेस्पेक्ट में नियरेस्ट अनबैलेंस्ड नोड हमारा ये है 25 वाला, 13 उससे दूर है, तो हम 25 के रेस्पेक्ट में रोटेशन करेंगे। 25 के रेस्पेक्ट में इंसर्शन हुआ है लेफ्ट के लेफ्ट में, इसका मतलब हम एल एल रोटेशन करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
25 के रिस्पेक्ट में इंसर्शन लेफ्ट के लेफ्ट में हुआ है, इसलिए हम एलएल रोटेशन करेंगे. इट्स ऑल अबाउट डिसाइडिंग व्हिच रोटेशन यू आर गोइंग टू फॉलो. फॉर दिस यू हैव कंसीडर्ड कि नियरेस्ट अनबैलेंस नोड प्लस टू वाला नियरेस्ट अनबैलेंस नोड है, मतलब 25 वाला, इसके रिस्पेक्ट में इंसर्शन हुआ है लेफ्ट के लेफ्ट में, इसलिए आप एलएल रोटेशन कर रहे हैं. फॉर एलएल रोटेशन कंसीडर इट एक्स, कंसीडर इट वाई. वाई पे थंब रखिए, इंडेक्स फिंगर एक्स पे, और इसको राइट की तरफ रोटेट कर दीजिए, मतलब क्लॉक वाइज. द रिजल्टिंग ट्री इज 13 इज द रूट. यहाँ पे आ गया 18, इसके लेफ्ट में 14 और इसके राइट में 25. माइंड इट दैट आफ्टर परफॉर्मिंग द रोटेशन यू डू नॉट नीड टू फाइंड द बैलेंस फैक्टर, क्योंकि ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होगा. नेक्स्ट जो आपको इंसर्शन करना है वो आई है 9. 13 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 9 इसके राइट में. प्लीज चेक कि हर इंसर्शन रूट से ही स्टार्ट हो रहा है. देन यू हैव टू इंसर्ट दिस 19. 13 से बड़ा है, 18 से बड़ा है और 25 से छोटा है, 19 इज हियर. अगर आप बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे, मुझे बैलेंस दिख रहा है, अगर आप चाहें तो बैलेंस फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. आप सभी लोग चेक कर लें एक बार, बैलेंस है. आप सभी लोग जरा चेक कर लें कि बैलेंस्ड है कि नहीं अभी तक. यस सर. बैलेंस है, सभी लोगों को दर्द दिख रहा है. चलिए नेक्स्ट नोड हम इंसर्ट करें, ये 16 वाला. वेयर शुड 16 गो? 13 से राइट है, 13 से बड़ा है राइट में आए, 18 से छोटा है लेफ्ट में आए, 14 से बड़ा है राइट में चले गए, तो 16 है इसके राइट में इंसर्ट हो गया. ये अभी भी बैलेंस्ड है, अगर आप चेक करेंगे तो बैलेंस फैक्टर सही आएगा सबका, प्लस वन या माइनस वन या जीरो. आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है ये. देन ई विथ 5 को हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है. 5 को जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये 13 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो आप लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे. अब थोड़ा सा इम्बैलेंस आया है, और इम्बैलेंस जो है वो 1 के रेस्पेक्ट में होगा. आप चाहो तो इसको चेक कर लो. 5 का बैलेंस फैक्टर 0, 9 का बैलेंस फैक्टर प्लस 1, 1 का बैलेंस फैक्टर माइनस 2. आप खुद चेक करो कि क्या इसका माइनस 2 आप फाइंड कर पा रहे हो उसका बैलेंस फैक्टर. एवरीवन प्लीज चेक कि आप ये फाइंड कर पा रहे हैं क्या कि इस नोड का बैलेंस फैक्टर, मतलब 1 वाले नोड का बैलेंस फैक्टर माइनस 2 है. यस सर. श्योर आप फाइंड कर पा रहे हैं? How many of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी भी बहुत सारे responses नहीं आ रहे, इसका मतलब बाकी लोग नहीं find कर पा रहे. I need the responses. अगर आप balance factor find कर पा रहे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. Okay. So ये जो unbalanced node है उसके respect में insertion कहाँ हुआ है? अनबैलेंस नोड सब ट्री अलग कर लीजिए, आप सब ट्री इसको अलग कर लीजिए, यहाँ से ऐसे सब ट्री निकल जाएगा, ठीक है. इसका बैलेंस फैक्टर माइनस 2 है और जो नोड इंसर्ट हुआ वो 5 है, इसके रेस्पेक्ट में जो इंसर्शन हुआ है वो राइट के लेफ्ट में हुआ है, तो आप कौन सा रोटेशन करेंगे? आरएल. राइट के लेफ्ट में इंसर्शन हुआ है, आरएल रोटेशन करेंगे. आरएल डबल रोटेशन है. डबल रोटेशन में क्या करते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. सबसे पहले वाई को राइट की तरफ रोटेट करते हैं, रिजल्ट आएगा 1, 5 एंड देन 9. इसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है, इस एक्स को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं, रिजल्ट होगा इसका 5, 1 एंड 9. इज दैट फाइन एवरीवन? टेल मी इफ दिस रोटेशन इज क्लियर टू यू आरएल. यस सर. जानवी ये क्लियर है? यस सर. नव्या? आयुषी? यस सर क्लियर है. निखिल कश्यप? यस सर क्लियर है. निष्कर्ष? यस सर मैंने बोल दिया. पारस? यस सर.
क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो ये जो सब ट्री हमने अलग से बनाया था, अब इसको इस ट्री का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं पार्ट? चलिए यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, इस ट्री को, और यहीं पे इसको ऐड कर देते हैं। ये जो हमने ट्री बनाया है इसको ग्रीन कलर से बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि रोटेशन के बाद सभी नोट्स बैलेंस्ड होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंसर्शन करें। नेक्स्ट इंसर्शन इज ऑफ सिक्स। सिक्स को कहाँ इंसर्ट करेंगे? थर्टीन से छोटा है, फाइव से बड़ा है और नाइन से छोटा है, तो यहाँ इंसर्ट करेंगे। ये ट्री अभी भी बैलेंस्ड है। ठीक है, दिस ट्री इज बैलेंस्ड। थ्री इंसर्ट करते हैं, थर्टीन से छोटा, फाइव से छोटा, वन से बड़ा, ये थ्री यहाँ आ जाएगा। अभी भी बैलेंस्ड ट्री, आप चेक कर लेना। देन अबाउट ट्वेंटी। ट्वेंटी कहाँ इंसर्ट करें? थर्टीन से बड़ा है, 18 से बड़ा है, 25 से छोटा है, 19 से बड़ा है। ओके, आप लोग इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं कि 20 का इंसर्शन कहाँ होना चाहिए? प्लीज टेल मी। आप इन द राइट ऑफ 19, इन द राइट ऑफ 19, 19, ठीक है, 19 के राइट में 20 इंसर्ट हो गया। कैसे हुआ? 13 से बड़ा, 18 से बड़ा, 25 से छोटा लेफ्ट में आए, 19 से बड़ा राइट में गए और इंसर्ट कर दिया। अभी थोड़ा सा इंबैलेंस आया है, थोड़ा सा इंबैलेंस जो आया है ना वो 25 के रेस्पेक्ट में है। ये जो 25 की वाला जो नोड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जरा चेक करें, क्या 20 वाले का बैलेंस फैक्टर 0 है, 19 वाले का -1 है और 25 वाले का 2 है, आपको मिलेंगे। आप केवल इसका फाइंड कर लो मेरे लिए, बाकी सारा जो ट्री है वो बैलेंस मुझे दिख रहा है, इसलिए आप टाइम मत वेस्ट करो, आप केवल इसका फाइंड कर लो 25, 19 और 20 का। प्लीज टेल मी इफ यू आर फाइंडिंग सम इम्बैलेंस। यस सर, एलआर डिस्टरबेंस है, एलआर वाला होगा। प्रथम थोड़ा सा आप ना और लोगों को चांस दे दो बोलने के लिए, otherwise I will go according to you, so that will not be fair with the class. Ratnesh, ठीक है, Ratnesh, Rashmi, Rashmi Singh, Prabhat, yes, hello, हाँ, Rashmi भाई, Yes, sir. Yes, you are audible. बताइए, समझ में आ गया आपको ये? Yes, sir. वो क्लास नहीं करी है पहले वाली, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, बट आई थिंक आज वीडियो देख के हो जाएगा। Yes, sir. ऋषभ सयाल, yes, sir. ये बैलेंस फैक्टर ये माइनस ये प्लस टू आ रहा है इसका 25 का? Yes, sir. Sure. सभी लोग इसको चेक कर पा रहे हैं? प्लीज से यस इफ यू आर फाइंडिंग द बैलेंस फैक्टर ऑफ 25 एस 2। यस सर। यस सर। इस सब ट्री को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग रोटेशन करके इसको वापस लगा देंगे ट्री में। सो जो अनबैलेंस नोड है वो 25 वाला है, इसके रेस्पेक्ट में इंसर्शन 20 का कहाँ हुआ है? टेल मी 25 के रेस्पेक्ट में इंसर्शन कहाँ हुआ है? लेफ्ट के राइट। तो कौन सा रोटेशन करेंगे? एलआर करेंगे। तो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई और जेड। सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन करेंगे किसका? वाई का। वाई और जेड को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दो। तो इसका जो आंसर आया वो ये आया 25, उसके लेफ्ट में 20 और इसके लेफ्ट में 19। ठीक है, सो एक्स वाई जेड मार्क कर दें हम अगर, तो दिस इज एक्स, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई। अभी हमने लेफ्ट की तरफ केवल रोटेट किया है, अब हमें राइट की तरफ रोटेट करना है एक्स को। जब आप एक्स को राइट की तरफ रोटेट करोगे, सो देन यू विल फाइंड 20 एज अ रूट, इसके लेफ्ट में 19 और इसके राइट में 25। इज दिस रोटेशन क्लियर? यस सर। टेल मी इफ दिस रोटेशन इज क्लियर। ऋतिक त्यागी,
Yes sir, clear है. Ritika? Yes sir. Okay. तो अब हम क्या करते हैं, ये जो सबट्री है इसको यहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ पे जहाँ से हमने निकाला था, इस सबट्री को हम वापस यहाँ पे लगा देते हैं. Now we have 20 and then on the left of this we have 19 and on the right of this we have 26. Is that clear everyone? तो ये जो ट्री हमारा है वो बैलेंस्ड हो गया अगेन. ये जो ट्री हमारा है दिस हैज बिकम अगेन. Shall I move towards the next question if you allow me to? Yes sir. Students, may I? Yes. Okay, so for moving towards the next question, let's take a fresh whiteboard. आज whiteboard की visibility या जो screen है area है वो आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि ये browser वाला है. Desktop वाला थोड़ा सा problem कर रहा है मुझे, इसलिए ये लेना पड़ रहा है. अच्छा, anyway मान लीजिए कि मेरे पास कुछ keys हैं और those keys are, let's say the name of the month. तो सभी लोग जरा name of the month अपने notebook पे लिखें. Name of the month means the January, February, March, April and so on and so forth. सभी लोग जरा इसको अपने copy पे लिख लें December तक. Okay? और मुझे इनके number sequence बताएं क्या क्या हैं. लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग आप फॉलो कीजिए और ये सीक्वेंस मुझे बताइए क्या है. क्वेश्चन आप लोगों ने कल भी शायद सॉल्व किया था ये सिमिलर, तो वहां से भी आप बता सकते हैं मुझे. रानू सिंह आप बता देंगे नंबर्स का सीक्वेंस? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए सर. फर्स्ट अप्रैल. मैं सीक्वेंस जनवरी के सीक्वेंस में अगर मैं लिखना चाहूँ, मैंने नंबर ऑफ का सीक्वेंस क्या होगा जो टोटल है? पहला नंबर क्या है मेरा? तो कैन आई जनवरी को मैंने क्या असाइन किया? तो 5. जनवरी को मैंने 5 असाइन किया. ओके, फरवरी को 4 एंड देन मार्च को 8. ओके, अप्रैल को 1. ओके, मई को 9. ओके, जून को 7. ओके, जुलाई को 6. ओके, अगस्त को 2. ओके, सितंबर 12. अक्टूबर 11. नवंबर 10. दिसंबर 3. ओके, इज दैट द एवरीवन फाइंडिंग? Please check everyone if this sequence is correct. One of you can verify it. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let's start inserting all these in the Abel tree. The first number is 5. Let's form a root with this. 4 is less than this, so we will come on the left. 8 is more than this, so I will come on the right. Then 1 is less than this, less than 5, less than 4, come to the left. Till now the tree is balanced. Then we are inserting this 9. Greater than 5, greater than 8, so we are coming to the right. The tree is balanced. First 7, 5 se jyada hai, 8 se chota hai. 7 iske left mein aayega. Abhi bhi tree balanced hai. 6 ki baat karte hain, 5 se bada hai. 8 se chota hai. 7 se chota hai. Abhi bhi tree balanced hai. No problem. 2 ki baat karte hain, 5 se chota, 4 se chota, 1 se bada. The imbalance start coming from now. Can you please tell me node is unbalanced? Tell me which of the node has got unbalanced. 4. Let everyone find out which of the node has got unbalanced. 4. Yes sir, 4. 4. What is the balance factor of this 4? 2 plus 2.
rest of the nodes will either have a 1, minus 1 or 0. So, ye imbalance hai. To zara is wale subtree ko nikal lete hain. 4, 1 and 2. Okay. Achha. Isme kaun sa rotation lagayen? Unbalanced node ye wala hai. Iske respect mein inversion hua left. Iske respect mein inversion hua hai left ke right mein. इसलिए हम एल आर रोटेशन करेंगे. एल आर रोटेशन में क्या करते हैं, इस एक्स के लेफ्ट को वाई, इसके राइट को जेड. सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन करते हैं जेड के रेस्पेक्ट में. आंसर आया 4, 4 के लेफ्ट में 2, 2 के लेफ्ट में 1. ये है एक्स, ये है जेड और ये है वाई. दूसरा प्रोसेस क्या होगा, इसको हम राइट की तरफ रोटेट कर देंगे. सो एल आर में पहले लेफ्ट रोटेशन देन राइट रोटेशन, इट्स अ डबल रोटेशन. So is that the subtree you are finding? Yes, sir. Is this balanced? Yes, sir. Yes, sir. जहाँ जहाँ से हमने subtree निकाला था वहाँ पे इसको वापस लगा देते हैं. तो इसको हम different color से दिखा देते हैं जिससे कि clarity हो insertion कहाँ होगा. Okay. Next insertion is going to be of 12. 2 के बाद 12 insert हो रहा है. 12 को कहाँ इंसर्ट किया जाए? Tell me where should I insert this 12? 9 के राइट. 9 के राइट में, ओके, हमने इंसर्ट कर दिया. एंड देन दिस 11, where should I insert this 11? 12 के लेफ्ट में. 9, 5 से बड़ा, 8 से बड़ा, 9 से बड़ा, 12 से छोटा. कोई इंबैलेंस हुआ है क्या? Find out which of the node has got imbalanced. 9. सभी लोग agree कर रहे हैं 9 imbalance हुआ है. Yes sir. क्या balance factor हो गया 9 का? Is that minus 2? Yes. Yes, बाकी नोड भी अगर इम्बेलेंस है तो उनको छोड़ दीजिए. आप केवल उस नोड को कंसीडर कीजिए जो कि इंसर्टेड नोड के नियरेस्ट है. ओके, सो अनबैलेंस नोड ये वाला है जिसका बैलेंस फैक्टर माइनस 2 है. इसके रिस्पेक्ट में इंसर्शन कहाँ हुआ बताइए. राइट के लेफ्ट में 11 का इंसर्शन हुआ है ना, तो 11 का इंसर्शन अनबैलेंस्ड नोड के रेस्पेक्ट में राइट के लेफ्ट में हुआ है. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द आरएल रोटेशन. आरएल के लिए एक्स मान लीजिए इसको, राइट को वाई, लेफ्ट को जेड. सबसे पहले मुझे राइट की तरफ रोटेट करना है वाई को. इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, इसका रिजल्ट है ये 9, 9 के लेफ्ट राइट में वाई, 11 के राइट में 12. Let us mark the pointers, this x, z and y. The next step would be to rotate the tree towards the left with respect to x. Kya result aaya iska? 11 is the root, 9 is the left and 12 is the right. Is this tree balanced? Yes sir. इसको yes, इस सब ट्री को वहां लगाते हैं जहां से हमने निकाला था. यहां से निकाला था, यहीं पे इसको वापस लगा देते हैं. सो दिस इज 11, दिस इज 9 एंड दिस इज 12. द ट्री वुड बी बैलेंस, नो नीड टू चेक इट अगेन. लेट्स डू द नेक्स्ट इंसर्शन. नेक्स्ट इंसर्शन इज ऑफ 10. वेयर शुड आई इंसर्ट दिस 10? 9 के राइट में. ओके, सी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन व्हिच इज कमिंग एक्चुअली. परहैप्स लेट्स लेवल ऑल दीज नोड्स. जीरो लेवल, ऑल दीज नोड्स आर एट 1 लेवल. ऑल दीज नोड्स अप टू 7 आर एट 2 लेवल. All these nodes are at 3 level. Only one node is at 4 level. कोई node
अनबैलेंस्ड है क्या? यस सर फाइव. कौन सा सर? फाइव रूट फाइव सर. क्या सभी लोग फाइंड कर पा रहे हैं कि रूट नोड अनबैलेंस्ड है? क्योंकि रूट के लेफ्ट में टू है और रूट के राइट में फोर आ रहा है लास्ट, तो ये नोड अनबैलेंस्ड है. इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? माइनस टू. नमन ये फाइंड कर पा रहे हो कि रूट नोड अनबैलेंस्ड है? यस सर. ऋषभ सुयाल समझ पा रहे हैं कि रूट नोड इंबैलेंस्ड है? यस सर. जयेश जयेश आपके समझ पा रहे हैं कि रूट नोड इंबैलेंस्ड है? चलिए अच्छा, रूट नोड अगर अनबैलेंस्ड है लेकिन और कोई नोड अनबैलेंस नहीं है, केवल रूट नोड अनबैलेंस्ड है, तो जरा मुझे बताइए कि रूट के रेस्पेक्ट में इन्वर्शन कहाँ हुआ है? इन्वर्शन किस नोड का हुआ है? 10 का हुआ है. लेकिन कहाँ हुआ है? राइट के राइट के लेफ्ट के राइट. इस नोड के रेस्पेक्ट में राइट के राइट के लेफ्ट के राइट में हुआ है. एक्चुअली हमारे पास इतनी लंबी कहानी है ही नहीं, हमारे पास दो ही ऑप्शन, चार ऑप्शन है, या तो आर आर, या तो एल एल, या तो आर एल और या तो एल आर. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा रोटेशन कर सकते हैं जिससे कि बैलेंस्ड हो जाइए. इसको समझने के लिए अनबैलेंस्ड नोड के रिस्पेक्ट में मान सकते हैं कि राइट के राइट में इंसर्शन हुआ है, हालांकि हुआ है राइट के राइट के लेफ्ट के राइट में. ठीक है, तो स्टार्टिंग के टू पिक कर लीजिए, लास्ट के टू हटा दीजिए. ठीक है, फिर से समझिए मैंने क्या कहा. इसको एक्चुअली अनबैलेंस्ड नोड के रेस्पेक्ट में इंसर्शन हुआ है राइट के राइट के लेफ्ट के राइट में, तो आप केवल फर्स्ट टू पिक करके बाकी टू हटा दीजिए. तो आर आर रोटेशन कर दीजिए. इसमें आर आर रोटेशन करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि रूट ही, इसलिए हम सबट्री बनाने का कोई मतलब नहीं मान लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं. ठीक है, करना क्या होगा आपको, इस x को लेफ्ट की तरफ रोटेट करना होगा आर आर में. एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? यस सर. इस x को हमें लेफ्ट की तरफ रोटेट करना होगा. बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना, इसलिए एक छोटा सा केस लेके इसको समझिए, ये वाला रोटेशन कैसे होगा. मान लीजिए कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है. ठीक है, ये नोड अनबैलेंस्ड हो गया है, मार्क कर लेते हैं इसको x, इसको y और इसको z. तो x वाला जो नोड है वो अनबैलेंस्ड हो गया है. अब मुझे क्या करना है, आर आर रोटेशन करना है, तो मैं इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करूंगा. यूजुअली आप क्या करते हैं कि y को रूट पे लेके x को इसका लेफ्ट बना देते हैं और z को इसका राइट. क्या आप यही करते हैं आर आर में? टेल मी स्टूडेंट्स, क्या आप यही करते हैं? Yes, sir. आर आर में? ओके okay. अच्छा मान लीजिए कि वाई के लेफ्ट में ऑलरेडी एक सबट्री है. ठीक है, वाई के लेफ्ट में ऑलरेडी एक सबट्री है. ओके okay? सबट्री मत मानी, चलिए नोड मान लीजिए. आपने कहा चलो इसमें एक नोड ऑलरेडी है. अगर यहाँ पे नोड, इस नोड को हमने डब्लू कह दिया, इसको डब्लू नहीं कहते, इसका नाम कुछ और ही रख देते हैं. इसका नाम हम रख देते हैं YL. ठीक है, ये YL सही है, Y का लेफ्ट. चलेगा ये बात कि नहीं? Y के लेफ्ट में जो नोड है वो YL है, ऐसा मान लेते हैं. अच्छा, जब आप X को रोटेट करके Y के लेफ्ट में लेके आएंगे तो Y के लेफ्ट में तो ऑलरेडी YL है. इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप सभी लोग? एवरीवन प्लीज चेक. जब आप x को आप रोटेट करके जब लेफ्ट में लाना चाहेंगे तो x के लेफ्ट, माने x जो है जब लेफ्ट में आएगा y के, तो y के लेफ्ट में ऑलरेडी yl है, तो अगर हम y के लेफ्ट में x को लेके आएंगे तो yl मिस हो जाएगा. हम इसको मिस नहीं करना चाहते yl को. तो आप एक काम करो, जब रोटेट करके x को लेके आओगे, ठीक है x को लेके आओ राइट में, देखो ये वाला रिजल्टेंट ट्री देखो इसमें, ठीक है y के लेफ्ट में हम x को लेके आते हैं, लेकिन ये जो yl है इसको गायब मत करो, जो रोटेटेड नोड है उसके राइट में इसको लगा दो. समझ पाए आप इस बात को या दोबारा से बताएं?
सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, जब आप इसमें आर आर रोटेशन करेंगे तो आर आर रोटेशन का मतलब है एक्स को लेफ्ट में लेके आएंगे, ठीक है। वाई हमने बना दिया, वाई के लेफ्ट में एक्स बना दिया, एक्स के लेफ्ट में जेड, लेकिन वाई के लेफ्ट में ऑलरेडी वाई एल था, वाई एल लॉस हो जाएगा। तो जो नोड रोटेट होके वाई के लेफ्ट में आया है, वाई एल को इसका राइट बना दो, ठीक है, वाई एल को इसका राइट बना दो। सिमिलरली मान लो कि एक सिचुएशन ऐसी है, एक सिचुएशन ऐसी है कि हमें एल एल रोटेशन करना पड़ा, ठीक है। एल एल रोटेशन के लिए हमने क्या कहा, एक्स ये है, वाई ये है, जीरो जेड ये है, तो हमें क्या करना होगा, एक्स को राइट की तरफ रोटेट करना होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाई यहाँ पे, एक्स यहाँ पे और जेड यहाँ पे। क्या ये एल एल सही है? इज दिस एल एल करेक्ट? नमन, ये एल एल करेक्ट है? यस सर। सभी लोग एग्री कर रहे हैं एल एल करेक्ट है? रितिका? यस सर। ओके, मान लीजिए कि वाई के राइट में ऑलरेडी एक सबट्री था जो था वाई आर, ठीक है। वाई के राइट में ऑलरेडी एक सबट्री है जिसका नाम है वाई आर, लेकिन आपने रोटेट जब किया तो वाई के राइट में तो एक्स को ले आए, तो ये वाई आर मिस हो जाएगा। अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते तो रोटेटेड नोड के लेफ्ट में लगा दीजिए इस वाई आर को। बात समझे आप इसको? अगर हम इन दोनों कंडीशन, अगर इन दोनों कंडीशंस को एक साथ रखें, पुटअप करें, ये जो ऊपर वाला है और ये वाला, तो इसका समरी हम इस तरह से बना सकते हैं कि रोटेटेड नोड के लेफ्ट या राइट में अगर पहले से ही नोड, सॉरी, जो रोटेट होके नोड आ रहा है लेफ्ट या राइट में, अगर उस पोजीशन पे ऑलरेडी कोई सबट्री है, तो अगर वो सबट्री लेफ्ट सबट्री था तो उसको राइट बना दो रोटेटेड नोड का। ओके, सी मान लेते हैं कि हमारे पास वाई एल या वाई आर दोनों में से एक कंडीशन कभी आएगी, इसका मतलब क्या है कि जो नोड रोटेटेड है वो एक्स है। चेक कर लो, जो नोड रोटेट होके आया है वो एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। तो अगर हमारे पास वाई एल था, मतलब कि लेफ्ट सबट्री था, तो उसको एक्स का राइट बना दो, और अगर मेरे पास राइट सबट्री था तो उसको एक्स का लेफ्ट सबट्री बना दो। डन, समझ में आ रहा है ये? एवरीवन प्लीज चेक। यस सर। ओके सर, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ जी प्लीज करिए सर। जितने भी हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं, इसको हम सीधे एक से देख सकते हैं ना, कि जो भी मतलब जैसे तीन एलिमेंट हैं, उसमें से एक मिडिल होगा, एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा, एक सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो जो मिडिल एलिमेंट है उसको हम रूट मान ले, और जो छोटे को हम लेफ्ट नोड मान ले, और बड़े वाले को जो सबसे बड़ा है उसे राइट नोड मान ले। इतना हमें घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी सोचने की बात है। अब आप इस पे आ जाओ, यहाँ वाला कंडीशन। इस कंडीशन में क्या है, सभी लोग चेक कर पा रहे हैं, ये वाला जो ट्री है देख पा रहे हैं, जहां हमने ये डिसाइड किया कि x पे या माइनस टू वाला या रूट नोड पे हम LL रोटेशन, सॉरी RR रोटेशन करेंगे। बड़ा करें इसको थोड़ा सा। ये सभी लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सा रोटेशन करना है, जिस क्वेश्चन के साथ आप कंटिन्यू कर रहे थे? x से स्टार्ट करके हमें RR रोटेशन करना है। क्या सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस पे? Yes, sir. इंजर्शन हुआ था 10 का, और 10 के इंजर्शन के बाद ये जो रूट नोड है मेरा इंबैलेंस हो गया था, अनबैलेंस हो गया था। तो रूट के रेस्पेक्ट में इंजर्शन हुआ राइट के राइट के लेफ्ट के राइट में, लेकिन हमने आर आर पिक कर लिया फर्स्ट टू, और आर आर रोटेशन हम करने जा रहे हैं रूट से स्टार्ट करके। तो रूट नोड को हमने एक्स मान लिया, इसके राइट नोड को वाई और इसके राइट नोड को जेड। इसका मतलब क्या है कि इस x को हम लेफ्ट की तरफ रोटेट करने वाले हैं। तो x को अगर हम लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो y हमारा रूट बन जाएगा, y हमारा 8 वाला नोड है, ठीक है। अगर हम x को रोटेट करेंगे लेफ्ट की तरफ
तो पूरा पूरा सब ट्री जो एक्स से स्टार्ट हो रहा है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट होगा, ध्यान दीजिए, पूरा पूरा जो सब ट्री है जो एक्स से स्टार्ट हो रहा है वो रोटेट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ये आपको समझ में आ रहा है कि वाई ये है और एक्स ये है। एक्स से स्टार्ट होने वाला सब ट्री कौन सा है, फाइव, फाइव के लेफ्ट में टू, टू के लेफ्ट में वन और वन के सॉरी टू के राइट में फाइव फोर। तो y के लेफ्ट में हमने इस पूरा x से स्टार्ट होने वाला सबट्री लगा दिया। अच्छा z से बाकी जो पार्ट है आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए, मतलब कि y के राइट में z है, ये 11 है। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट लेकिन आप इफ यू विल कीप योर आई इंटैक्ट देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस सिस्टम। सर हाँ प्लीज एक सेकंड, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपके? यस सर। अच्छा अब इस रोटेशन के बाद जब आपने x को y के लेफ्ट में ले आए, x को जो आपने y को लेफ्ट में ले आए, y के लेफ्ट में ऑलरेडी 7 और 6 वाला सबट्री था, ये वाला देखिए ये तो गायब हो गया हमारा क्योंकि हम 8 के लेफ्ट में तो हम y वाला सबट्री ले आए। तो हम क्या करेंगे कि इस सबट्री को x के राइट में लगा देंगे क्योंकि ये y के लेफ्ट में था, इसलिए इस सबट्री को हम y के x के राइट में लगा देंगे। x के राइट में 7 और इसके लेफ्ट में 6। क्या ये समझ में आया आपके या नहीं समझ में आया? यस सर। तो ये समझ में आया? विवेश समझ में आया ये? सर प्रार्थना ये समझ में आया? दोबारा से बताएं इसको। प्लीज टेल मी इफ आई नीड टू रिपीट दिस। नो नो रिस्पॉन्स। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि समझ में नहीं आया आपको, कोई बात नहीं। क्वेश्चन एक नोट कर, दो तीन क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, इसको घर से कीजिए और कर लीजिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे एबिलिटी, अदरवाइज छूट जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्विज में क्वेश्चन जरूर आएगा इससे रिलेटेड। नोट कर लीजिए, सबसे पहला तो आपको ये पहला वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 170, 60, 140, 90, 120, 30, 10, 15, 2, 7, 8 and 150। ये तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है कि जनवरी फरवरी वाले को मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, पहले दिसंबर आ जाएगा, फिर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी एंड जनवरी। क्वेश्चन को नोट कर लिया आपने? सर पहले वाले में तो ए दो बार है। कोई बात नहीं, चेंज कर लीजिए इसको, मैं चेंज कर देता हूँ। इस ए की जगह मैं सर डी भी दो बार है। डी भी दो बार है, चलिए इन दोनों को चेंज कर देते हैं। इसको चेंज कर देते हैं यू और जेड। अब ठीक है, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है? इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।